हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ एक मिनी पिज्ज़ा जो कि बेसन और अंडे से मैं बनाऊँगी। इसके लिए मैंने बेसन ले लिया है और इसमें डाल दिए हैं 4 अंडे। अब हम इसको एक अच्छे से मिला लेंगे और एक अच्छा बैटर बनाना है जिसमें इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए बिल्कुल भी। अच्छे से फेंट लेंगे। हम इसमें मसाले डालेंगे अपने। इसमें नमक डाला है मैंने और थोड़ा सा लाल मिर्च डाल दी है, हल्दी पाउडर डाला है, गरम मसाला डाल देंगे इसमें और सबको अच्छे से फेंट लेंगे। अब डालेंगे हम हरे प्याज, उसको मैंने बारीक काट लिया था। अब इसको मिला के अच्छे से फेंट लेंगे। अब हम तवा गरम करेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और एक कच्ची लेके उसको बैटर को फैला लेंगे अच्छे से। ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना, मैं मिनी पिज़्ज़ा बनाना है तो छोटा ही बनाएंगे। आप इसे बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, हेल्दी ऑप्शन है एक टिफ़िन के लिए। अब इसमें डाल देंगे, हमने बॉईल करे मटर डाले हैं इसमें, थोड़ा सा पनीर को छोटा छोटा काट लिया था मैंने वो भी डाल दिया इसमें। आप कोई और सब्ज़ी भी मनपसंद की ऐड कर सकते हैं इसमें, शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। टमाटर डाला है मैंने थोड़ा सा, अब इसे थोड़ा सा ढक लेंगे जिससे कि ये भाप से सब्जी पक जाए। अब इसे हम पलट लेंगे, थोड़ा सा बटर डाल देंगे साइड साइड से और इसे अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए तैयार है मेरा मिनी पिज़्ज़ा। देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, खाने में भी बहुत टेस्टी है, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी है ये। ये देखिए तैयार है हमारा मिनी पिज़्ज़ा। इसी तरह से मैंने दूसरा पिज़्ज़ा भी तैयार कर लिया है। ये देखिए, आप इसे सॉस के साथ डालिए, इसमें पिज़्ज़ा सॉस भी आप लगा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए।